फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे है, 2 अगस्त। कल थर्सडे था। बारिश की वजह से मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई हूँ, उस वजह से सॉरी। अभी बारिश यहाँ रुक गई है तो मैंने जो मेन काम था कपड़ों का, वो मैंने पहले ही धोकर बाहर सुखा कर रख दिए हैं। और मैंने आज मेहंदी लगाई हुई है तो मेरे इस लुक को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मेरे पीछे जो आप ये सब कपड़े देख रहे हैं वो बारिश की मेहरबानी है। कल रात को जो कल के दिन के जो कपड़े सूखे नहीं थे वो आज सुबह तक पूरी तरह से सूख चुके हैं, तो उन्हें फोल्ड करके रख दिया है। और कल से श्रावण महीना शुरू हो गया था तो मेरा फास्ट भी शुरू हो गया है। तो आज मैं लंच में काले चने की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाली हूँ। कपड़ों का जो मेन काम होता है वो तो ख़त्म हो गया है, अब दूसरे रूटीन काम शुरू करने हैं मुझे। विहान स्कूल चला गया है, त्रुही कॉलेज चली गई, और मेरे हस्बैंड भी अभी थोड़ी देर में ऑफिस चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेरा आज का रूटीन कैसा है। सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम में रखे हुए इन कपड़ों को उसकी सही जगह पर रख दूँगी, और फिर ये सोफ़ा पर मैं सब डस्टिंग कर दूँगी, और फिर पूरे ड्राइंग रूम को मैं साफ़ कर दूँगी। अब टीवी यूनिट का जो एरिया है वो मैं डस्टिंग करके साफ कर रही हूँ। ड्राइंग रूम में डस्टिंग हो गई है, अब बेडरूम की बारी। यहाँ मैं बेड की चादर को ठीक कर रही हूँ, और फिर इस रूम में भी डस्टिंग कर दूँगी। बेडरूम और ड्राइंग रूम की डस्टिंग हो गई है, अब मैं थोड़ी लंच की थोड़ी आधी तैयारी कर दूंगी। यहाँ मैंने विराट के भिगे हुए चने को कुकर में सुबह में सीटी लगा कर उसे उबाल कर रख दिया है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, पूरी तरह से चने हो चुके हैं। अब मैं चने को पानी के साथ ही बाउल में रखूँगी, और इतने चने के लिए मुझे 2 टमाटर और 3 प्याज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं अब उसको काट कर उसको ग्रेवी में और ग्रेवी बना दूँगी। आप ग्रेवी की जगह उसके छोटे छोटे पीस कर कर भी उसमें रख सकते बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ग्रेवी बना कर ही बनाना प्रेफर करती हूँ। We'll be right back.
कढ़ाई में तेल डालकर ये ग्रेवी तैयार करने की शुरुआत करती हूँ। तेल में राई डालेंगे, राई जब हो जाएगी पक जाएगी तब उसमें हींग डालेंगे और ये जो ये मसाले का डिब्बा होता है उसके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं। जब भी आप मसाले के डिब्बे में ये मसाला भरे तब उसके नीचे ये टिश्यू पेपर या आपके घर में जो पुराना अखबार है वो रखे, साफ रहेगा और आपको उसको बार बार साफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो हमारी राई हो चुकी है, अब मैं हींग डालूंगी। उसके बाद ये रेडीमेड जो गार्लिक पेस्ट है वो मैं डालूंगी। और अगर आपको ग्रेवी का कलर अच्छा चाहिए तो आप ये जब ओनियन या जो कुछ भी आप अगर डालते हैं तो उस तड़के में ही पहले थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा रेड आएगा। अब मैं ओनियन की पेस्ट इसमें डाल दूँगी और उसको सौते करूँगी। हमें गैस बिल्कुल धीमी रखनी है। पक चुकी है, अब मैं इसमें जो टमाटो की ग्रेवी है वो मैं डालूंगी और अब इसे हम मिक्स करके धीमी आंच पर पकाएंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी, गरम मसाला और नमक हम इस वक्त अभी नहीं डालेंगे और हम इसे धीमी आंच पर मसालों के साथ इसे पकने देंगे। यहाँ हम नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने चने को जब कुकर में रखा था तब उसमें थोड़ा सा नमक डाला हुआ था, तो नमक थोड़ा ही हम डालेंगे। हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे और अब चने को ग्रेवी के साथ हम 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम उसे पकने के लिए रख देंगे। अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए तो हमें जो चने का जो पानी हमने रखा था वही हम उसमें थोड़ा डालेंगे और अब हम इसे पकने देंगे। हमारी ग्रेवी मतलब हमारा मसाला चना मसाला तैयार हो गया। झाड़ू पोछा करने वाली थी लेकिन तो ही कॉलेज से आ गई है तो उसे भूख लगी है, तो अब मैं पहले उसे खाना खिला दूंगी, फिर मैं खा लूंगी और उसके बाद अब मैं सारा काम करूंगी। Thank you.
विहान भी अब स्कूल से आ गया है, तो अब उससे भी खाना खिलाने के बाद ही मैं सारा काम शुरू करूंगी। अब मैं पूरे घर में कचरा साफ करने वाली हूँ। अब मैं पोछा लगा रही हूँ, पूरे घर में कचरा साफ हो गया है और अब पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज सुबह से दोपहर तक का रूटीन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।